धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी ओम प्रकाश बड़ौत शहर जिला बागपत यूपी से सतगुरु परम पिता जी की अपार दया मेहर का प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार लिखता है। दिनांक 3 जुलाई 1980 को जब मैं बड़ौत शहर से अपना कारोबार करने के बाद शाम को अपने गांव रसौली जा रहा था, रास्ते में एक सुनसान जगह पर कुछ बदमाश लुटेरों ने मुझे घेर लिया और मुझ पर एकदम चाकुओं से हमला कर दिया। उस समय मैं बुरी तरह जख्मी हो गया। लुटेरों ने मुझे मरा हुआ जानकर सड़क के किनारे पर एक गड्ढे में फेंक दिया और स्वयं वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को संभाला और किसी न किसी तरह गिरते पड़ते अपने गांव पहुंच गया। गांव वालों ने मुझे वहां से वापस बड़ौत शहर ले जाकर अस्पताल में दाखिल करवा दिया। उस समय मेरे शरीर पर कई गहरे जख्म थे और उनमें से खून बह रहा था। शरीर में से अधिक खून निकल जाने से मेरी हालत चिंताजनक थी। डॉक्टरों का कहना था कि तू 6 महीने से पहले ठीक नहीं हो सकता, परंतु मेरे गांव की संगत ने सरसा दरबार में जाकर जब परम पिता जी से सारी घटना का वर्णन किया तो परम पिता जी ने वचन फरमाया, घबराओ ना भाई, वह तो 15 दिनों के बाद अपने आप ही दर्शन करने के लिए यूपी दरबार में आ जाएगा, क्योंकि यूपी दरबार में अंग्रेजी महीने के हर पहले सप्ताह को सत्संग होता है और सच्चे पातशाह जी ने 15 दिनों बाद यानी अगस्त महीने के पहले सप्ताह में वहां जाना था। कुल मालिक के वचनानुसार ठीक 15 दिनों के बाद जब शहंशाह जी डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा पहुंचे तो मैं भी अपने सतगुरु जी के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच गया। मेरे करीब करीब सारे जख्म भर चुके थे, परंतु मेरे हाथ का एक जख्म काफी खराब हो चुका था। उस समय भी उस पर पट्टी बंधी हुई थी। दयालु शहंशाह जी ने मुझे अपने पास बुलाकर मेरा हालचाल पूछा और मेरे हाथ को बड़ी गौर से देखा। वह तो सच्चे पातशाह कुल मालिक का एक अनूठा खेल था। मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ कि वास्तव में पूज्या शहंशाह जी ने अपनी दया दृष्टि व अपार रहमत से मेरे करोड़ों जन्मों के कर्मों को उन कुछ ही दिनों में ही खत्म कर दिया था। उस समय कुल मालिक जी ने वचन फरमाया, भाई उन बदमाशों को कुल मालिक स्वयं ही जल्दी सजा देगा। कुल मालिक के वचनानुसार उन बदमाशों के सरदार को उसी साल में ही किसी दूसरे बदमाश ने गोली मारकर खत्म कर दिया। शहंशाह जी ने मुझे
गांव छोड़कर शहर में रहने का हुक्म कर दिया था। मैंने उन्हीं दिनों परमपिता जी के हुक्म से बड़ौत शहर में मकान मोल ले लिया, जिसे लेने की शुरू से ही मेरी प्रबल इच्छा थी। आजकल मैं परमपिता जी की दया मेहर से बड़ौत शहर छोड़कर कल्याण नगर सरसा में सपरिवार रहता हूँ। जो जीव अपने सतगुरु पर पूर्ण भरोसा करता है, सतगुरु कुल मालिक उसके सभी काम, चाहे वो कितने ही असंभव हों, अपने अपार कृपा से पूरे कर देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बीबी जसवीर कौर गांव बनी जिला सरसा हरियाणा से शहंशाहों के शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत का प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार लिखती है। 17 दिसंबर सन 1981 को जब मैं अपने घर ससुराल में सोई हुई थी, तो अचानक ही मुझे परमपिता जी कुल मालिक के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, बेटा जसबीर, तू अपनी मम्मी को मिल ले, फिर यह समय तेरे हाथ नहीं आएगा। ये स्पष्ट वचन मैंने सुने, मैं एकदम हैरान थी और उसी समय ही उठकर बैठ गई। मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगी कि परमपिता जी अभी तो आए थे और कुछ क्षणों में ही कहाँ चले गए। मेरी माँ ने भी परमपिता जी से नाम शब्द की दात ले रखी थी और उसे मालिक पर पूरा विश्वास था। सुबह उठते ही मैंने अपनी सास के पास अपने मायके घर जाकर अपनी मम्मी को मिलने की इच्छा प्रकट की। रात के दृष्टांत से मैं अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल थी, क्योंकि परमपिता जी ने मुझे प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट कह दिया था कि तेरी माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। इसलिए मैं अपनी माँ को बहुत ही जल्दी मिलना चाहती थी। उन दिनों मेरा पति भी टाइफाइड बुखार से बीमार पड़ा था। इस पर मेरी सास ने कहा कि अभी आपकी शादी को केवल 2 महीने ही हुए हैं, इसलिए वह तुझे अकेली को मायके कैसे भेज दे। 2-4 दिन ठहर जा, तेरे पति के ठीक होते ही तू उसके साथ अपनी माँ को मिलने चली जाना। इस प्रकार 8 दिन निकल गए, परंतु मेरे पति का बुखार नहीं उतरा। इसी कारण मैं अपनी माता के पास नहीं जा सकी। ठीक 9वें दिन मेरे पास सूचना पहुंच गई कि तेरी माता चोला छोड़ गई है। परमपिता जी ने मुझे यह बात तो 1 हफ्ता पहले ही बता दी थी। मैं मजबूरी के कारण अपनी माता को मिलने नहीं जा सकी। मुझे इसी बात का पछतावा खाए जा रहा था कि मैं अपनी मम्मी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी।
हालांकि परम पिता जी ने एक हफ्ता पहले ही मुझे सब कुछ स्पष्ट बता दिया था। अपनी माता के चोला छोड़ने के करीब 10 दिन बाद जब मैं रोती रोती सो गई तो मुझे मेरी माता के दर्शन हुए। मेरी माता ने कहा कि तू रोया ना कर, मेरे चोला छोड़ने से पहले ही परम पिता जी खुद आ गए थे और मुझे अपने साथ ले गए हैं। मैं अब कुल मालिक परम पिता जी के पवित्र चरण कमलों में रहती हूँ और हर समय उनके पवित्र दर्शन करती हूँ। कुल मालिक वाली दो जहान परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने मुझे मेरी माता के दर्शन करवा दिए, क्योंकि मैं अपनी माता को मजबूरी से मिल नहीं सकी थी। जबकि घट घट की जानने वाले सतगुरु जी ने एक हफ्ता पहले ही मेरी माता का अंतिम समय मुझे बता दिया था। इसके साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप में यह भी बता दिया था कि उन्होंने स्वयं वहां पहुंचकर तेरी माता की अंतिम समय संभाल की है और उसकी रूह को अपने साथ सतलोक ले गए हैं। रूह कुल मालिक प्रभु परमात्मा की अंश है, निश्चित अवधि पूरी होने पर काल अपना यह शरीर तो खाली करवा लेता है परंतु सतगुरु की अंश को छू भी नहीं सकता। सत्संगी रूह को उसका सतगुरु स्वयं लेने आता है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।